आगे ऐसे पुश करते जाओ, होता जाएगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है अपना प्यारी दुनिया में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है। गाइस चलिए फिर आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और मैं जा रही हूँ ये स्कूल ट्यूशन से लाने। अभी तो मेरी दौड़ भाग शुरू हुई है, अब तो ऐसे ही चल रहा है। कभी ट्यूशन कभी स्कूल। भी ना बादल है, देखो आज बारिश होती है नहीं होती है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हवा रुकी हुई है। चलो ले लेती हूँ यस को, इसके बाद मिलती हूँ। अब बच्चों का आराम हराम हो जाएगा। अभी आराम से सोते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, अब स्कूल ट्यूशन पूरा दिन। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, थोड़ी सी आलस छोड़नी पड़ेगी। बाकी मेहनत करते हैं जो बच्चे, आगे उनकी लाइफ बहुत अच्छी जाती है, तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए और कहना चाहिए। यस और गुलशन तो करते हैं, है ना, थोड़ा साथ लगना पड़ता है बस बच्चों के। और आ गए हम लोग अपने घर, और घर में थोड़ा सूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अंदर पंखा का चल रहा होता, बाहर मकान बन रहा है उधर, तो बहुत आवाज़ आती है मशीन वसीन की, इस वजह से ना ज़्यादा सूट नहीं कर पाती, ये बहुत बड़ी समस्या है। और दो दिन से कूड़ा वाली गाड़ी भी नहीं आई है, तो वो भी मतलब मैंने बाहर रख दिया, कुत्तों ने पूरे तरीके से उसको फैला दिया, उसको समेटा। और सब्जियाँ दो दिन में ही ख़राब हो रही है। मैं दिखाती हूँ मेरी धनिया की हालत क्या है। मैंने कल भी धनिया ली थी, परसों भी, दोनों मेरी धनिया ख़राब हो चुकी है। तो ये मैंने कल ली थी, जो कि ये भी देखो किस तरीके की हो गई है। ये थोड़ी सी यहाँ की ना यूज़ कर लूँगी, बाकी ये वाली तो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। छू रहे हैं मेरे हाथ, सन रहे हैं। तो ये देखो फ्रेंड, बरसात में कितनी दिक्कत हो रही है मुझे कपड़े फैलाने के लिए। मैंने बाथरूम में देखो जगह जगह डाल रखे हैं, अभी और भी हैं तो वो भी मैं दिखाऊँगी कहाँ कहाँ मैंने डाल रखे हैं कपड़े। रात को ना निकाल लेती हूँ, फिर दिन में डाल देती हूँ। और इतने कपड़े तो कुछ भी नहीं है, अभी दूसरे वाले घर में फैला रखे हैं मैंने, जो बदबू मारने लग गई। थोड़ी स्मेल सी आने लगती है ना, यही दिक्कत होगी अभी पूरी बरसात में। चलो इनको फैला देती हूँ, फिर और भी कपड़े लेके आती हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना। तो ये बगल का रूम है जो कि खाली पड़ा रहता है, इसमें ना काम हो रहा था इस वजह से ना ये खाली रूम, किराएदार नहीं है, तो ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये देखो इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डाल रखे, तो यहाँ पे भी डाल रखी थी साइकिल यहाँ से पहन के, तो उसमें भी डाल रखे थे। सारे अभी गीले हैं, मतलब आधे सूखे हैं, और ये चद्दर कितना पतला होता है, ये भी नहीं सूखा। मैंने सारे कपड़े फैला दिए, लेकिन कितने देर के लिए वो पता नहीं है। अगर फिर से बारिश हो गई तो मेरे कपड़े पता नहीं क्या होगा, कितने दिन में सूखेंगे। और खाने में मैंने क्या क्या बनाया दिखा देती हूँ। दाल बनाई है, चावल मेरे पक्के रेडी हो गए हैं, और आटा भी गूंथ के रखा हुआ है, तो मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और लौकी की सब्जी। तो ये देखो कट कर लिया मैंने लौकी, अब सब्जी भी बना लेती हूँ। किचन का काम मतलब ख़त्म हो जाता ना, तो मैं खुश हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है अभी, और सभी औरतों को यार जो भी किचन में अभी खाना बनाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देखो अलमारी के सारे कपड़े बने निकाले हुए हैं, तो इनको अच्छे से रख देती हूँ दोबारा से। तो यस कर रहा है मेकअप, शॉर्ट शूट करना है, और आज आखिरी दिन है, मतलब फिर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। गुलशन कैमरामैन रहता है और एडिटर। और यस दिखाए यस चेहरा, ये देखो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोगों ने एक दो दो पार्ट इसके डाल रखे हैं, थर्ड पार्ट है। जब पूरा मेकअप कर लेगा ना यस, तब मैं दिखाऊंगी किस तरीके से मेकअप किया हुआ है यस ने। अभी ना शॉर्ट शूट कर लेते हैं, फिर अकेले में रह जाया करूंगी गाइस, फिर पता नहीं मैं शॉर्ट मतलब कैसे शूट किया करेंगे। संडे बाई संडे किया करूंगी, बाकी मैं कर लूंगी, देखती हूँ, छोड़ूंगी तो है नहीं, मैं करूँगी ज़रूर। और यहाँ पर मशीन बोलने लगती है, तो मैं सुबह दिन में शूट नहीं कर पा रही हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी, तो क्लियर आवाज़ नहीं आ पाती बाहर वीडियो में, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, अभी नहाना है, पर रेडी हो चुकी हूँ मैं शॉर्ट बनाने के लिए, तो हम बना लेते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखो फाइनल मेकअप कैसा किया है इसने, और ये देख के ना सच्ची है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, भले ही मेकअप है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। गाइस तो काम घर का ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ यस कुछ लेने। यस बना रहा है समर ड्रिंक, अब देखते हैं कैसा बनाएगा। चलो तो ना मकान टूट रहे हैं, तो डर लगता है मशीनों से ना, पत्थर चटक रहे हैं, तो ना निकलने में ना डर लगा करता है। हम लोग बहुत आराम से निकलते हैं, तो मैंने इसने सोचा चलो इस पार्क से चलते हैं। यहाँ देखो बच्चों के कितने झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, झूले कहा, अरे बैठ ले झूले, अपने आप झूल पकड़ के, अरे दोनों, और फिर आगे पैर कर पुश,
पैर ना आगे पुसकर। अच्छा, हमको सिखा रही है? यश को ना डर लग रहा है अभी भी ना झूले में। गांव पे रहा होता ना इसने पेड़ों में झूला होता तो आज डरता नहीं। चल झूल, वो अंकल आ रहा हूँ झूलाए। आगे आगे दोनों पैर पुसकर। एक आने लग गया लो, एक मिनट के अंदर ही झूला झूलना। हाँ, आगे ऐसे पुश करते जाओ, होता जाएगा। इसको झूला झूलने को मिल गया, यहीं से जा रहे थे, हमने सोचा पार्क से जाते हैं तो झूले भी झूल ले गए। देख, एक दो बार के बारिश में कितनी ज़्यादा घास हो गई, ये देखो। मुझे ना कपड़े डालने थे, मतलब टेलर के यहाँ पे, मैं भूल गई लाना, नहीं तो साथ में वो डाल दी थी। पहले गर्मी थी, लू चलती थी तो जल्दी निकलते नहीं थे, और अभी दो दिन से बारिश हो रही थी। तो दुकान पहुंच गए हैं, यश को जो भी चाहिए मैं दिला देती हूँ। सो गाइस, सामान लेके आ गए हम। यश की वजह से मैं आराम नहीं कर पाती हूँ, जैसे मेरा काम ख़त्म होता है यश कहता है कभी ये दिला दो कभी वो दिला दो। कल से स्कूल जाएगा तो फिर नहीं मांगेगा। सामान लेके आ गया अभी। तो आज फ्रेंड्स हस्बैंड मोहल्ले में ही काम कर रहे थे, तो इस तरफ काम कर रहे हैं, देखो इस तरफ हम लोग रहते हैं। 10 कदम रखूँगी तो समझ लो घर पहुँच जाऊँगी, मतलब पास ही में कर रहे हैं। मैं दुकान गई थी तो लेमन सोडा मैं हस्बैंड के लिए लेके आई, उन्हें बहुत पसंद है, वो गर्मी भी थी तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ उनके लिए। और ये देखो अंदर मेरे को लेके जा रहे हैं कि देखो मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये देखो पतली सी रास्ता, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये देखो गड्ढा, इसमें ना पानी भर जा रहा था बरसात का, तो वो ढकवा के इसमें ना ये मसाला मतलब उसका सीमेंट का डलवा रहे हैं, तो वही सब ये कर रहे थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। और अब घर आने के बाद अब मैं दिखाती हूँ यस मुझे दुकान क्यों लेके गया था, उसको क्या बनाना है और वो क्या क्या चीज़ें लेके आया है। तो यस ने यूट्यूब में देखा है वीडियो किस तरीके से बनाना है, तो वही सब कर रहा है। हाजमोला लेके आया, उसको देखो कितने अच्छे से कूट लिया है यस ने, और वो डाल रहा है गिलास में। इसके बाद उसने नींबू डाला उसमें। ये रेसिपी सच्ची बताऊँ मुझे पता नहीं था कि यस क्या बनाने वाला है, किस लिए मुझे दुकान लेके जा रहा है, पर जो भी बनाया था बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी था, गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा ही आ गया था। भाई देखो उसने पूरी रेसिपी देखी हुई है भाई, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, इसी चीज़ के लिए वो मुझे दुकान लेके गया था। उसने बनाया और पिया भी और मेरे को भी टेस्ट कराया, तो सच्ची में बहुत ही यम्मी था। Much later. फ्रेंड्स, तो रात हो गई है, 11 बज रहे हैं और अभी खाना खा के मैं बाहर आई हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है और डालनी है, तो इसलिए मैंने सोचा एंड ले लेती हूँ वीडियो का। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।